करीलाज आपके पास भाई अच्छा है, शांति बनाए रखो। पीछे लात वात मारी और चप्पलों की भी मारी थी। यही हमारे वो अभी आर के मेरे घर गए, खेलना नहीं चाह रहे तो उनके साथ लोगों ने मारपीट करने की सोची और मारपीट कर दी भी थी। मारपीट की और हम उन्हें बचाने गए, मतलब तो उन्होंने हमारे साथ भी की और हम मेरे यहाँ लगी है। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ दो विद्यालयों के मध्य कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान मारपीट हो गई। और जो पूरी पूरी जानकारी निकल कर आ रही है, यह 33वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की है, जो कि बामणिया कला में आयोजित की जा रही थी। बताया ये जा रहा है कि इस प्रतियोगिता के दौरान फाइनल मुकाबला चल रहा था, जिसमें बामणिया कला बनाम विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलमगरा की टीमें खेल रही थी। आखिरी 7 मिनट शेष थे, रेलमगरा की टीम 10 अंकों की अच्छी खासी बढ़त बना चुकी थी और इस बीच वहाँ पर मारपीट की घटना हो जाती है। और जो वहाँ से खबर निकल कर आ रही उसके अनुसार बामणिया कला के कुछ ग्रामीणों के द्वारा रेलमगरा के कोच के साथ मारपीट की जाती है। ये थोड़ा सा विवाद बढ़ता है, उसके बाद मारपीट के दृश्य देखे जा रहे हैं। हालांकि रेलमगरा के खिलाड़ियों के भी आरोप है कि हमारे साथ मारपीट की गई है, मगर जो प्रथम दृष्टिया जानकारी निकल कर आ रही है उसमें कोच के साथ मारपीट की बात सामने आ रही है। और ये जब पूरा घटनाक्रम घटित होता है काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है, मैच रोक दिया जाता है और उसके बाद के जो हालात बताए जा रहे हैं कि रेलमगरा की टीम इतनी डर जाती है कि वह पुनः उस मुकाबले में नहीं जाती है। और ये जो एक घटना निकल कर आई यकीनन बड़ी अफसोसजनक है। खिलाड़ियों के बीच जो खेल हो रहा है उसे खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए था, मगर उसके बीच इस पूरे के पूरे प्रकरण में खेल भावना कहीं ना कहीं नदारद दिखती है। सुनिए आखिर खिलाड़ी इस पूरे पूरे प्रकरण पर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आपको परिणामों की तरफ लिए चलेंगे। ललित गाड़ी कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय रेल का टूर्नामेंट खेल रहे थे, कौन सी प्रतियोगिता पार्टिसिपेट? कबड्डी का टूर्नामेंट था बामणिया कला में और 33वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता। कौन सा मैच चल रहा था? फाइनल विवेकानंद वर्सेस बामणिया कला। क्या हुआ मैच में? मैच बंद कर दिया आप, छोड़ दिया? मैच में सर ऐसा हुआ कि हम टूर्नामेंट खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे फाइनल, तो हमारे पास लीड थी 19-7 हमारे साथ उनके, तो हमारे कोच साहब है ओमवीर सिंह जी, तो वो हमें सिखा रहे थे पीछे से, वही गाइड कर रहे हैं। तो उनके साथ लोगों ने मारपीट करने की सोची और मारपीट कर दी भी थी, मारपीट की और हम उन्हें बचाने गए, मतलब तो उन्होंने हमारे साथ भी की और हम मेरे यहाँ लग गई है यहाँ पे। और कोई टीचर भी घायल हुए क्या? टीचर देवीलाल जी पीटे ही हमारे, वो अभी आर के मेरे घर गए रेल मगरा से। नहीं खेलना है बस, क्यों डर लग रहा है सर? वहाँ पे बच्चे रोने लग गए, मैं भी रोने लग गया। अगर कहीं और दूसरी जगह खेला जाता है तो हमने को छोड़ कर सिर्फ देश में नहीं खेलना है, रेल ग्राम गरीब कहीं पे भी नहीं खेलना है बस। कीर्तन जाट विवाद तो ऐसा है कि मतलब हमारे पास लीड थी 19-7 में, तो हम आगे थे उनसे, और फिर वो उन लोग थे जो हमारे कोच साहब के ऊपर आ पड़े, तो हम उनको बचाने गए, हमारे भी मार दी उन्होंने, मेरे यहाँ पे लग गई और पीछे लात वात मारी और चप्पलों की भी मारी थी सर। टीचर के भी टीचर के भी लगी यहाँ पे, उन्होंने लात मारी यहाँ पे लोगों ने पेट में, तो वो भी आर के हॉस्पिटल में। और अब क्या आगे खेलना चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो? खेलना नहीं चाह रहे, बामणिया जाके नहीं खेलना चाह रहे? बामणिया के अलावा कहीं खेलाएंगे आपको? तो रेल मंगरा यहाँ पे खेल लेंगे, बामणिया नहीं खेलेंगे, बामणिया नहीं खेलेंगे। तो ये देखा आपने खिलाड़ी किस तरह से इस पूरे पूरे घटनाक्रम में कह रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ वहाँ घटित हुआ वो अच्छा नहीं था, खेल भावना के विरुद्ध था। और हालांकि जानकारी यह भी निकल कर आई कि उसके बाद मैच को पुनः प्रारंभ करवाने की कोशिश की गई, मगर वो मैच अधूरा ही रह गया और आखिर में परिणाम बामणिया कला के पक्ष में दिया गया। तो ये जो पूरी की पूरी घटना बामणिया कला के इस कबड्डी प्रतियोगिता से निकल कर आ रही है, यकीनन विभाग को अब इस पूरे के पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये पूरी की पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्यों घटित हुई। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।